पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने किया विकास खंड व थाना खजनी सिकरीगंज बेलघाट तथा खजनी बेलघाट ब्लॉक का निरीक्षण। चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। होली के दिन वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीपीगंज थाने में तैनात गालीबाज और धमकाने वाले मुख्य आर्ची हामिद शाह को एसएसपी दिनेश कुमार पी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। पूरे मामले पर बैठाया जांच। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर कोरोना के नियंत्रण के संबंध में की चर्चा। कहा, टेस्टिंग कर कोरोना पर लगाएं लगाम, करें नियंत्रण। खजनी थाना क्षेत्र के भीटी खुरिया में गेहूं के खेत में मिला 30 वर्षीय युवक का शव, हत्या की आशंका। एसपी साउथ ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक सांसद शिव प्रताप शुक्ला मंगलवार को एक स्थानीय होटल में मीडिया से हुए रूबरू। कहा, राज्यसभा में हुई बजट पर चर्चा, पास हुए 19 बिल। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,719। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 198 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन कराने आए नागरिकों का जाना कुशल क्षेम, लोगों से की अपील। कहा, अपनी बारी आने पर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। और काशी और हरिद्वार के गंगा आरती के तर्ज पर राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर मंगलवार को आयोजित हुआ गंगा राप्ती महाआरती, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।